नमस्कार आदाब, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया का पिटारा आज विधानसभा में खुल गया। बजट में सिंचाई, कृषि से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार ने फोकस करने की कोशिश की है। इसके बाद विद्यार्थियों और कर्मचारियों को भी सरकार राहत का देने का काम कर रही है, ये बजट में इंगित होता है। जहां कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं तो सरकारी कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ मिला है। जहां सरकार इसे विकास का बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इसे कम्बल ओढ़कर घी पीने जैसा बता रही है। बजट से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, तो कहीं खुशी कहीं गम भी होगा। सरकार ने अपने बजट की तुलना 13 साल बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार से ही की है। यही है हमारा आज का विशेष बजट एमपी का। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए क्या कुछ था आज के बजट में, क्या कहती है सरकार और क्या कहता है विपक्ष। मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों का बजट वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में पेश किया। ये पहला मौका है जब केंद्रीय बजट के बाद राज्य का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से किसानों और जनता को अपनी ओर से राहत देने की कोशिश की। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट नर्मदा विकास के लिए 102 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। विश्व अर्थव्यवस्था की विषम स्थिति और निजी क्षेत्र के निवेश की अपेक्षा में कम होने के बावजूद लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय विकास दर से आगे रहना माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास तथा टीम मध्य प्रदेश की मेहनत का परिणाम है। राजकोषीय रणनीति अधोसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए राजकोषीय घाटे उधार की वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पूर्ण सीमा 3.5% का उपयोग वर्ष 2016-17 में करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था। इस बजट में चाहे सड़कें हो और विशेष रूप से सिंचाई की व्यवस्था हो, जो फैसला हमने किया था पर ड्राफ्ट मोर क्राफ्ट, उसको क्रियान्वित करते हुए सिंचाई के बजट में 12% और एनवीडीए के बजट में 28% की वृद्धि की गई है। बूंद बूंद पानी का उपयोग मध्य प्रदेश में हम सिंचाई के लिए करेंगे। बजट से पहले जनता को उम्मीद थी कि प्रदेश में लगने वाले सबसे ज्यादा वैट से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट में कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का समावेश करके जरूर राहत दी गई है। वहीं 12वीं में 85% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। सरकार ने पहली बार सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देने की घोषणा की है, इसके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा करीब 9,500 करोड़ रुपए बजट में है। बजट बाद सरकार जहां विकास का बजट बता रही है, वही विपक्ष का कहना है कि सरकार कम्बल ओढ़कर घी पीने का काम कर रही है, यानी लगातार प्रदेश कर्ज के बोझ में डूबता जा रहा है। ऐतिहासिक बजट है, 22-24 साल से हाउस में इतना अच्छा बजट नहीं देखा। 5 रुपया गरीब की थाली, कोई गरीबी रेखा का वो नहीं, हर विधवा को पेंशन, छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्चा मेधावी छात्रों का सरकार वहन करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संसाधन, पीने का पानी, हर दृष्टि से बहुत अच्छा बजट है। ये बजट पूर्ण रूप से निराशा का बजट है। न युवाओं के लिए कोई सोच है, न किसानों के लिए कोई सोच है, न बेरोजगारों के लिए कोई सोच है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि मिशन 2018 की तैयारी में जुटी सरकार का बजट कुछ उसी रास्ते पर जाता दिखेगा, वैसा ही बजट में कुछ हुआ। पेट्रोल, डीजल और गैस में वैट नहीं घटाए जाने से जनता जरूर मायूस हुई है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये विकास का बजट है। तो सरकार का दावा है विकास का है, और विपक्ष कहता है कि इसने किसी को कुछ नहीं मिला।
तो चलिए इसी विषय पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हिदायतुल्ला, कांग्रेस के नेता दीपचंद यादव, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक आउटलुक के राजेश सरोठिया, अर्थशास्त्री आर एस तिवारी। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यार साहब, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? बजट को किस तरह से देखते? सपाट बजट ज्यादा है, इस प्रकार की संभावना नजर आ रही है जैसा लग रहा है। बजट से हम उम्मीद करते हैं हमेशा कि अगर विकास की दर बढ़ानी है, और बढ़ रही है लगातार, तीन सालों से हमारे यहाँ विकास की दर निश्चित रूप से बढ़ रही है, लेकिन वो बड़ी एक केवल एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, और उसकी वजह से इस एकांगता के वजह से एक सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी होती है कि अगर एक साल मानसून हमारे यहाँ विफल हो जाता है तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। तो एक आधार बनना चाहिए, उसमें बड़ी परेशानी है। मैं केवल एक शेर कहूँगा कि जिसी उम्मीद पे गुजार दिए बरसों हमने, गुज़िश्ता साल से ये बजट अच्छा हो। कोई ऐसा इस बजट में कोई बड़ी भारी राहत नहीं दी गई है, कोई बड़ी भारी दिशा भी नहीं है, ये जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। मध्य प्रदेश का एक विज़न 2018 है, और अगर उसकी दिशा में चला गया होता तो स्थिति बहुत भिन्न होती। हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्र की आमदनी से हमेशा ज़्यादा ज़्यादा कम होती जा रही है। मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन 13-14 में कोई 24,000 से ज़्यादा हम लोग पीछे थे, और इस बार 25,650 रुपए से कम है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर इसी तरह से गैप बढ़ता जाएगा तो इसका दूसरा मतलब ये है कि दूसरे राज्य अपेक्षा का ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हम उतने तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे। उसकी सबसे बड़ा कारण ये कि हमारे औद्योगिक विकास नाम की कोई सी चीज़ नहीं है। इस बजट में आप उद्योगों के लिए देखें कि कुछ नहीं किया गया है। और दूसरा एक पॉइंट मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बजट को बेकार इधर उधर छेड़छाड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। एक साल बजट में देख रहा था मैं अभी ये आंकड़े, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पूंजीगत प्राप्तियाँ पिछले साल 53% थी, बढ़ी थी, इस साल घटकर 2% रह गई। मतलब इसको मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो जाता है और ऐसा हो कैसे सकता है। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ियां हैं इस बजट में, और इससे अर्थव्यवस्था को कोई दिशा मिलती हो ऐसा दिखाई नहीं देता। उनकी प्राथमिकता क्या है ये मुझे समझ में नहीं आती। एक साल किसी मत पर पैसा बढ़ाया जाता है, दूसरे साल उसमें से घटा दिया जाता है, किसी दूसरी मत पर बढ़ा दिया जाता है, इससे कभी कोई लाभ नहीं होगा। ये आंकड़ों की भाषा बहुत सारी जरा गड़बड़ी है। उदाहरण के लिए कि पूंजीगत व्यय पिछले साल 10% बढ़ाया गया था, 65% बढ़ाया गया था, इस साल केवल 10% बढ़ाया गया। विनियोग इंटरेस्टिंग 22% पिछले साल बढ़ा था, इस साल 11% बढ़ाया गया, और कहा जा रहा है कि विनियोग इससे बढ़ेगा। तो मुझे चाहे जो भी हो, सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम एक दिशा में चलेंगे और लगातार उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर छिड़काव करेंगे आप विभिन्न मदों पर थोड़ा थोड़ा, तो उससे कोई भी मद आगे नहीं बढ़ेगी, ये बात बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल दीपेंद्र यादव, क्या कहेंगे आप? बजट पूरी तरह से दिशाहीन है, और जिस तरह की अपेक्षाएं जनता को थी इस सरकार से, उस पर पूरी तरह से बजट पेश करने में विफल रही है। बजट के अंदर ना तो उद्योगों का ध्यान रखा गया है, ना ही बेरोजगार जो हमारे नौजवान घूम रहे हैं उनको रोजगार के साधनों के लिए कोई बात कही गई है, ना ही स्वास्थ्य के बारे में कुछ चिंता व्यक्त की गई है। और ये बजट से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कि उनको अभी जिस तरह से कर्ज में डूबी हुई है मध्य प्रदेश सरकार, इसकी वजह से और ज़्यादा कर्ज में डूब जाएगी, क्योंकि इनके पास टैक्सेशन का कोई फार्मूला है नहीं, इनके पास एग्रीकल्चर के लिए दिशा है नहीं, इनके लिए एजुकेशन की कोई पॉलिसी है नहीं, इनके पास हेल्थ रिलेटेड, और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है
प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में तो इन्होंने ना तो रोड के बारे में कुछ सोचा है, ना ट्रैफिक के बारे में सोचा है, ना ही किस तरह से आज जो पूरी तरह से लैंड ऑर्डर की स्थिति है इसके बारे में जो बजट रखना चाहिए था किस तरह से, तो पूरी तरह से मैं कहूँगा कि दिशाहीन बजट है और इसमें पब्लिक को ध्यान में रख के न लिया गया, बल्कि कई जगह तो ऐसा देखा गया, एक तो इसे वेट का था, वेट कम करने की अपेक्षाएं थी वो बिल्कुल नहीं कहा, इससे पेट्रोल डीजल और केरोसिन गैस के सिलेंडर इसके ऊपर ज़्यादा और भार पड़ेगा, ये गृहिणियों के लिए आम जनता के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे हिदायतुल्लाह? नहीं देखिए, विपक्ष का और बाकी सब लोगों को अपना काम करने का है, लेकिन ये बजट अपने आदमे का अद्भुत और ऐतिहासिक बजट है जी। जब बात कर रहे हैं किसानों की, तो किसानों के लिए 33,000 करोड़ रुपए का उसके अंदर प्रावधान किया गया। अभी तिवारी जी भी बोल रहे थे कि एक साल मानसून नहीं, मानसून इतने 13 सालों में कई बार कम ज़्यादा हुआ, लेकिन सिंचाई की परियोजनाएं मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा हैं कि मानसून के बावजूद भी बहुत सारा हमारा किसान आज कम से कम सिंचाई कह रहे थे एकांगी बजट है, सिर्फ कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी बात बाकी तरह की चीजों पर नहीं है। वही तो बात मैं आपको बोल रहा हूँ रिजवान भाई कि आप देखिए कि उसकी तरफ ध्यान दिया गया है। अगर ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, तो फसल बीमा के लिए 2,000 करोड़ रुपए हमने अलग से रखा है। छोटे छोटे तालाब बनाने का तो निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, वो केंद्र की भी अपनी योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की भी अपनी योजना है। हाँ, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक कृषि पर आधारित प्रदेश है, हमारा कृषि का एक बड़ा है, तो हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है कि कृषि के ऊपर ध्यान देते। जहां तक बात युवाओं की आ रही है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 797 करोड़ रुपए स्वरोजगार के लिए करे गए। जब स्वरोजगार के लिए बात करी जा रही है, तो आप याद रखिए कि रोजगार सिर्फ नौकरी से मत जोड़िए आप, कि आप नौकरी दे रहे हैं एक व्यक्ति, अब आप बताइए करीब 800 करोड़ रुपए में कितने युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। उन रोजगार जो युवा अगर कुछ कल कारखाने खोलेंगे तो उनके साथ कितने जुड़ने वाले उसके साथ लोग हैं, कम से कम 2-2.5 लाख युवा और 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम है कौशल विकास के, उसमें कि वो कहीं ना कहीं कौशल विकास के उसमें आए तो वो भी अपने स्वरोजगार के काम चलाने वाली बात चले। मतलब युवा के ऊपर, किसान के ऊपर सीधे सीधे बात है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, दीपचंद दादा भी बात कर रहे थे, स्वास्थ्य के लिए 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करी गई है, पुराने मेडिकल कॉलेजों का और उन्नयन करना और उनकी बेहतरी के लिए अलग से प्रावधान किए गए। 7 मेडिकल कॉलेज खुलना एक बहुत बड़ी बात है, और 7 मेडिकल कॉलेज खुलना भी युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर मध्य प्रदेश में अगर मेडिकल की सीटें बढ़ती है, यहाँ का छात्र उसमें एडमिशन लेकर अगर बाहर निकलता है, तो एक मेडिकल स्टूडेंट जब बाहर निकलता है तो वो अपने आप में एक रोजगार उसको मिल ही जाता है, उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो नौकरी करे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर जोड़ने वाली बात है। महिलाओं को जो पेंशन की बात करी गई है, पेंशन की, एक निश्चित तौर पर आप अगर बजट का कोई प्रावधान आपको ठीक नहीं लगता है, आप विपक्ष के अंदर है, आप निश्चित तौर पर उसका विरोध करिए, वो है सब कुछ अपनी जगह, लेकिन क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है? हर गरीब की पेट भरने की जो बात करी गई है उसके अंदर कोई वाली बात नहीं करी गई? अगर युवाओं को लेकर बात करी गई है, 7 नए मेडिकल कॉलेज, आप किसी मामले में आकर सकारात्मक रूप दिखाइए। तो क्या हम बस तुलना वहीं से करेंगे या कुछ और आगे भी बढ़ना है, और आप कैसा देखते हैं इन सारी चीजों? 2003-04 तो बहुत पीछे छूट चुका है, तुलना तो उसी से। अब तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ही 3 कार्यकालों से तुलना करना पड़ेगी कि पहले कार्यकाल में उन्होंने कैसा काम किया, दूसरे में कैसा किया और तीसरे में कैसा किया। तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये वाला कार्यकाल जो है एवरेज है, दूसरा वाला कार्यकाल जो है बेटर था और सबसे पहले वाला बेस्ट था। तो ये तो खुद कल कर आप इसकी वो करेंगे कंपैरिजन, तो अपने आप से ही करना पड़ेगा। बहुत पीछे छूट गए दिग्विजय सिंह के समय 16,000 करोड़ का बजट होता था, आज 176,000 करोड़ के बजट पर पहुंच गए आप। और उसके बाद भी अगर प्रदेश में कुछ दिख रहा है तो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट दिख रहा है, ग्राउंड रियलिटी जो है और आपके सरकारी आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आप इतनी राहत और उसकी बातें कर रहे हैं, आपको सबसे पहले एक काम करना था भैया, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 7 रुपये का फर्क है डीजल पेट्रोल में। अभी मैं गया था पश्चिम बंगाल, तो मेरे को लग रहा था कि वो तो गरीब प्रदेश है, वहाँ भी शायद महंगा होगा डीजल पेट्रोल, वहाँ भी 7 रुपये का अंतर है मध्य प्रदेश से। उसके बाद मैं सिक्किम वहाँ घाटी पर गया, तो मैं लगा कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा होता होगा, वहाँ भी 7 रुपये का अंतर मिला मेरे को। तो ये आप कर क्या रहे हो आप भैया? अगर वही करते, क्या किसान यूज़ नहीं करते क्या डीजल पेट्रोल? क्या किसानों के पास मोटरसाइकिल ट्रैक्टर नहीं है क्या? आप कहाँ से किसानों की बात कर रहे हैं, कैसे आप उसकी लागत की बात कर रहे हैं? आपको सीधी मूलभूत ध्यान आपकी विजन नहीं है, कन्फ्यूज़न है। और ये बाबूगिरी का बजट है, इसमें सरकारी वो नहीं, जब राघव जी वित्त मंत्री हुआ करते थे तो वो बाबूगिरी को हावी नहीं होने देते थे, और यहाँ टोटल बाबूगिरी का बोलबाला दिख रहा है बजट में, और सब कॉस्मेटिक कर दिया वो जैसा तिवारी जी ने बोला, और कोई इस दिशा नहीं है इस बजट में।
और मध्य प्रदेश का तो मुझे भगवान ही मालिक दिख रहा है इस बजट को देखकर। तिवारी जी, हिदायतुल्ला शेख ने बहुत ढेर सारी खासियत उस बजट की गिनाई, और जाहिर सी बात है बजट में कुछ कमी और कुछ चीज़ें तो कुछ कमी भी होती है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। और आपको क्या लगता है कि ये बजट वाकई किसी राजनीतिक विज़न का है या सरकारी खाना पूर्ति का, आप कैसे देखते हैं? विज़न वास्तव में कम है जी, क्योंकि ये लगना चाहिए कि मुझे इस दिशा में जाना है तो बिल्कुल उसी। अब ये मैं आपको, अगर आप देखें तो इसमें केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन जैसे जब भी कोई योजना आती है तत्काल मध्य प्रदेश सरकार उसको अपना लेती है, घोषणा कर देती है। वो एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट था वो सरकार, वो आनंद विभाग, हाँ, किसी ने नहीं बनाया, मध्य प्रदेश ने बना दिया। आखिर उस पर बेकार पैसा, जिसको हम अचीव कर सकते हैं उसी की बात अधिक करी जाए, जो कुछ हमारे अर्थव्यवस्था के जो रिसोर्सेज हैं अगर उसको ध्यान से देखा जाए। मुझे कहना चाहिए कि हर बार हम इतनी इन्वेस्टर मीट करते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, एनर्जी ख़राब करते हैं, पूरी सरकार लग जाती है, क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं हो पाता, ये बात समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो किसी स्थिति में कभी भी हमारी अर्थव्यवस्था कभी ठीक नहीं होगी। हमारे उद्योगों से मिलने वाली मैन्युफैक्चरिंग से जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार गिरता जा रहा है, एग्रीकल्चर का केवल बढ़ता जा रहा है। अब विकास की सारी थ्योरी सारी दुनिया भर में एक ही बात समझाती हैं कि यदि विकास होगा तो सेकेंडरी सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए, उसी के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये स्थितियाँ इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि करना चाहिए था शायद मेरे हिसाब से, कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उद्योगों को विकास करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, क्योंकि हम सेवा क्षेत्र में भी कोई बहुत कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। सेवाओं से जनता कोई बहुत संतुष्ट नहीं है और इस प्रकार की स्थिति है। हम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या तमाम सारे संस्थाओं को आप देखें तो इवन जनरल कॉलेजेस की पोस्ट भरी नहीं जाती, तो आखिर क्या होगा? ये स्थितियाँ जब तक बनी रहेंगी तब तक जिस चीज़ की अपेक्षा की जाती है वो नहीं होती पूरी। अगर हमें हासिल करना, अब ये मुझे मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश को हम लोग हमेशा शांतिपूर्ण राज्य मानते रहे हैं पूरे देश में, और इसलिए हम उसी के आधार पर सबसे कहते थे कि आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, लेकिन अब आप देखें कि पिछले कुछ सालों में तो वो तेज़ी से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बढ़ता जा रहा है। रेप केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, मध्य प्रदेश का नंबर दूसरे नंबर पर आ गया। तो ये सब स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, इनको कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दीपचंद यादव, संक्षिप्त में आप क्या कहेंगे? कॉलेजेस खोल देना, यूनिवर्सिटी खोल देना अलग बात है, लेकिन जनता को हिदायतुल्ला चाहते थे कि आप स्वागत करें उसका। नहीं, मैं स्वागत करता अगर अच्छे अस्पताल इलाज की अच्छी व्यवस्था करती, मैं स्वागत करता अगर औद्योगिकरण, जैसा अभी तिवारी जी ने कहा, आपने कितनी इन्वेस्टर्स मीट की, कितना हजारों करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिया, आखिर उसका प्रदेश को क्या मिला? ठीक है, आप 2003-04 की बात करते हैं, ब्रांडिंग मिली प्रदेश को, 2003-04 में रिजवान भाई, ठीक है, आप 2003-04 की बात करते हैं तो आपने खुद अपना भविष्य का निर्धारण कर लिया, इसमें अब मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो लेकिन अच्छा होता कि औद्योगिकरण के लिए कुछ करते हैं, औद्योगिकरण से एक चीज़ नहीं होती कि उद्योगी लगते हैं, बल्कि उससे एंसिलरीज होती हैं, उससे रोजगार मिलता है, उससे बिजनेस बढ़ता है। टूरिज्म की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है, एनवायरमेंट की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। प्रयास कर रहे हैं, हनुमंतिया जैसी चीज़ों को डेवलप भी किया है, डेवलप वो सब मैंने कहा ना, लल्ला खेले काऊ का और नाम पिया का हो, पहले किसने करके दिए हैं वो सब चीज़ें, सब दिग्विजय सिंह और केंद्र सरकार की योजनाएं थी, वो अब उनको अपना एडाप्ट करते रहो। आज भी हम आकाश में पर्यवेक्षक छोड़ देंगे, अपना सैटेलाइट छोड़ देंगे, मैं बता ना कि ये सब हमारी बनाई हुई चीजें जो हमने कर दिया, जो हमने डैम बना दिया, जो हमने पावर प्रोजेक्ट बना दिए, जो हमने रोड्स बना दिए, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जो हमने हॉस्पिटल बना दिए, उन्हीं को आगे तो ले जा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं उसको, आगे ले जा रहे हैं, नहीं जस्टिफाई करके उनकी बात को सही कर रहे हैं, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं जो हमने कर दिया। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ सरोठिया जी, उन्हीं को नहीं संभाल पा रहे, उन्हीं को बेटर करना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ था उस समय। हिदायतुल्ला, इतने ढेर सारे मेडिकल कॉलेज, इतने सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए, तो रिजवान भाई मैं कुछ पूरा जवाब भी दे लेने दीजिएगा। हाँ, पूरा आपको तो दे रहा हूँ मौका, पूरा दे रहा हूँ, क्योंकि इतने ढेर सारे मेडिकल, इतने ढेर सारे मेडिकल कॉलेज आप खोल रहे हैं, जितने हैं आपके पास उसी में तो डॉक्टर आप उपलब्ध नहीं करा पाए, एमसीआई के नाम पूरे करने जी, आप नाम्स पूरे नहीं कर पाते हैं,
तरह तरह की समस्याएं खड़ी हैं। ऐसा कोई बातचीत नहीं है, सरकार की अपनी प्रक्रिया है, कुछ नियम कानून की उसमें कहां डॉक्टर हैं इनके पास, एमसीआई की बात हो जाए या यूजीसी की बात हो जाए, कॉलेज की वो अपनी और अपनी चीजों की ग्रेट है और सरकार उसके अंदर पूरा ध्यान दे रही है। सिर्फ बात नए मेडिकल कॉलेज खोलने की नहीं, मेडिकल कॉलेज खुलना सिर्फ वहां से कोई डॉक्टर बन के मेडिकल नहीं निकल रहा, जबकि उस पूरे आप डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे। हाँ मतलब जिला चिकित्सालयों तक में पूरे डॉक्टर नहीं है। रिजवान भाई में हाँ वही सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ वही एक दो बार हो गया सवाल, मैं वही बता रहा था उसके अंदर कि हम उस मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर छात्र आके निकल रहा है, आज के अगर छात्र अगर 5 साल का बैठ के उसके अंदर निकल रहा है, उस क्षेत्र के अंदर अगर वो एक मेडिकल कॉलेज हो रहा है तो 1000 किलोमीटर के अंदर के लोगों को उसका सीधे सीधे लाभ मिल जाता है। तो बजट के विजन के बारे में तो बोल रहा हूँ ना तिवारी जी, बजट का विजन की बात करते करते यहाँ तो क्राइम और बिहार और यूपी और सब चले गए, यहाँ सारे सब पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे। कम से कम 36,000 शिक्षकों की भर्ती तिवारी जी ने आपके साथ रियायत की, कहा रेप में दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, वो तो एनसीईआरटी की रिपोर्ट तो बातचीत हो गई। और जब बात कर रहे थे तिवारी जी और बोल रहे थे 2003 से तुलना नहीं करें, तो 2003 के अंदर मुझे विकास दर भी तो बता दीजिए कि 2003 में विकास दर क्या हुआ करती थी। 2003 के पहले तिवारी जी को बहुत अच्छे से पता होगा विकास दर जीरो भी नहीं हुआ करती थी, माइनस में जाती थी। आज हम 12.12 पे खड़े हुए हैं। ये विकास दर तो किसी चीज का सूचक होता है कि वो राज्य कितनी तेजी से आगे बढ़ा। कृषि विकास दर के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी विकास दर है ना। हम विधवा लोगों आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक तरफ ध्यान दे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें 2690 प्रस्ताव हमने पिछले समिट के अंदर हमको प्राप्त हुए जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब आप एक बात करें तो सिर्फ पता चले समिट पे बात कर लें, आप उसको नीचे उतरने दीजिए, निश्चित तौर पर आप स्वागत करेंगे। बिल्कुल राय सिरोठी आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो तिवारी जी बात बोल रहे हैं, आपको जो डेवलपमेंट रेट दिख रही है कि हमारी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है, वो एग्रीकल्चर के कारण है। लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो आपको प्रदेश में रोजगार के नए जरिए पैदा नहीं करता जब तक कि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लाएं या मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण नहीं हो। जब तक लागत कम नहीं होगी, उत्पादन लागत, तब तक कोई नहीं आएगा आपके यहाँ उद्योगकरण है। जब आप 7 रुपये महंगा डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं तो वो किसान के लिए भी अखर रहा है और नए उद्योग आने के लिए भी अखर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मध्य प्रदेश जो सेंट्रली लोकेटेड है, आप विजन की बात जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण आप यहाँ पर लॉजिस्टिक हब के में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। लेकिन आपने कोई पॉलिसी में उसमें कोई ऐसा व्यवस्था नहीं करके रखी है कि मध्य प्रदेश को एक लॉजिस्टिक हब बना के जीएसटी का फायदा उठाएं। अभी तो ये कोई राहत जो है जो मिलने की उम्मीद है नहीं है। अभी जब जीएसटी आएगा उसके बाद तो आफत ही आफत आने वाली है लोगों पर। और राहत यहाँ कुछ दे देते अगर पेट्रोल डीजल का निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है आपको टैक्स घटाकर भी आप जो है इनकम बढ़ा सकते हैं अपनी। आपको दायरा बड़ा करना चाहिए, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तब आपको टैक्स इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन आप इस तरह से आपने 1000 गर्दनें तय कर ली, उन्हीं की गर्दन काटते रहो और आप चलाते रहो प्रदेश को, इसमें विजन थोड़ी है। चलिए, ना कारोबार बढ़ रहा है, ना ट्रेड बढ़ रहा है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल सारी आर एस तिवारी आप हमारे साथ जुड़े, राय सिरोठिया आप हमारे साथ जुड़े, दीपेंद्र यादव आप हमारे साथ जुड़े और हिदायतुल्लाह शेख आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजट आ गया है एमपी का, एमपी गजब है और कृषि में काफ़ी आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि सारी तरफ अगर विकास होगा, सब पर चिंता की जाएगी तो बेहतर होगा। सरकार ने कोशिश की है बेहतर से बेहतर करने की, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या 2003 से 2017-18 की तुलना की जा सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सब के साथ जितनी आमदनी होगी उतना ही पैर पसारा जा सकता है, ये बताने की कोशिश ज़रूर सरकार ने की है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।